बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मैं चिकन मकरोनी। आए जी आपके साथ शेयर करते हैं कैसे तैयार करने हैं। मैंने अभी पैन में ऑयल डाला थोड़ा सा, ये जो चीज़ें हैं हमारी थोड़ा थोड़ा सा फ्राई करना है मैंने, ये गाजरें फ्राई करूँगी थोड़ी सी। दो मैंने गाजरें ली थी, दो शिमला मिर्च ली हैं, ये मैंने जो ग्रीन प्याज होते हैं वो ली है, दो प्याज वो ली हैं, और ये मैंने मीडियम साइज का प्याज को इस तरह कट कर लिया। और है ये मैंने लिया है तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा है, बोनलेस लिया है, पीस कर लिया मैंने इसके। और ये मैंने मीडियम साइज का ये भी प्याज लिया है, एक इसको भी चॉप कर लिया। ये मैंने लिया है कुटी मिर्च, ये सोया सॉस सिरका है, और ये मैंने चिली सॉस लिया है, केचप भी डलेगी अंदर। और जैसे जैसे मैं चीज़ें डालती हूँ तो आपको साथ साथ दिखाती जाती हूँ। अभी हम ये उसको फ्राई कर लिया, और मकरोनी जो है वो मैंने बॉईल कर लिया है, वो भी आपको दिखाती हूँ। डेढ़ पैकेट लिया था मैंने मैक्रोनीस का, वो मैंने बॉईल कर उसको मैंने छन्नी से छान लिया है। अब मैंने फ्लेम थोड़ा तेज़ किया है, ये सारी चीज़ें मैं फ्राई करूँगी, आप ज़रूर ये बनाएँ, बहुत पसंद आएंगे आपको। ये जी ये बस ये फ्राई होने लगी है, इसी तरह ये भी चीज़ें मैंने थोड़ी थोड़ी फ्राई करनी है, तो फिर अगला स्टेप आपको दिखाती हूँ। ये फ्राई करके निकालती हूँ फिर बताती हूँ। तो मैंने ऑयल डाला है और इसमें हम शिमला मिर्च डालती हूँ, इसको भी एक दो मिनट ही करना है फ्राई। ये जी मैंने 5-6 चम्मच समझे टेबलस्पून मैंने ऑयल के डाले इसमें। अब हम इसमें डालेंगे, ये मैंने चॉप किया हुआ प्याज। ये जी एक बार ये एक मैंने बड़े वाला भी काटा हुआ, ये भी इसमें डालने लगी। ये जी मैंने 4 टेबलस्पून मैंने इसमें डाल दिए सिरके के, और 2 टेबलस्पून मैंने ये सोया सॉस का। आप भी इसी तरह डाल लें। ये मैंने चिली सॉस डाली, ये लेमन जूस डाल रही हूँ मैं, ये मैंने कुटी मिर्च डाल दी। ये जी लहसुन पाउडर है 1 टेबल स्पून, ये मैंने अदरक पाउडर डाला है 1 टेबल स्पून। ये जी मैंने केचप लिया है, ये 1/2 प्याली के बराबर 1 टेबल स्पून। नमक लिया, काली मिर्ची डाली है, रेड मिर्च बच्चे खाते भी हमारे, आपने अगर डाल लिया तो डाल सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। ये जी हमने ये जो प्याज किए हैं ये देखें, ये हो गए हैं थोड़े थोड़े से, इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करने, हल्के से इसको बस करना है, उसके बाद ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर ऐड कर देनी। ये जी मैंने एक चिकन क्यूब डाल दिया पूरा एक, ये ओरेगानो ये जो है इसका भी, छोटी टीस्पून डालनी है आपने, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। ये जी पिज़्ज़ा सॉस डाल दें इसमें, 4 टेबलस्पून डाल दें पिज़्ज़ा सॉस। अब हम इसको कुक होने के लिए 5 मिनट के लिए रख देंगे इसी तरह। ये जी देखें ये कुक हो गया हमारा, मैंने कुक कर लिया अच्छी तरह। इसमें हमने अब ये डालने, ये मैंने नमक डालकर इसको बॉईल कर लिया था, और साथ थोड़ा सा ऑयल भी और डालना है आपने जब बॉईल करना। ये मैंने ग्रीन प्याज डाल दिए, जो गाजरे की थी वो भी मैंने डाल दी है, और ये मैंने शिमले की मिर्च भी डाल दी करके ऐड किया। ये बहुत मज़ेदार बनते हैं, बहुत देसी भी स्टाइल है और चाइनीज़ भी है, हम चाइनीज़ नमक नहीं डालते, मैं इसी तरह बनाती हूँ, बहुत मज़ेदार बनते हैं, बच्चे मेरे बहुत पसंद करते हैं, ये आपको भी ज़रूर पसंद आएंगे। चीज़ डालती हूँ थोड़ा सा आप, ये मेरे पास थोड़ा था चीज़, मैंने चीज़ भी डाल रही हूँ, ये मैंने इसको उसमें कर लिया था, थोड़े छोटे छोटे पीस कर लिए थे मैंने, कद्दूकस कर लिया था इसको,
ये आग स्लो कर देते हैं थोड़ा सा, दो मिनट के लिए ऐसे कर लेते हैं, फिर डिश ऑफ कर लो। मैंने थोड़ा सा रखा था ऊपर डालने के लिए। आप ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएंगे। और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला अगली रेसिपी पर फिर हाज़िर होते हैं। अल्लाह हाफिज़।